अविनाश हाँ पापा कुछ पढ़ाई वगैरह करता है कि नहीं कि बस पूरा दिन आवारा दोस्तों के साथ घूमना है तुझे कुछ पढ़ी है भविष्य की तुझे पापा पढ़ ही तो रहा हूँ और दोस्तों के साथ भी मैं नहीं जाता कहीं पे आवारा करती घूमने कहीं नहीं जाता मैं 3 साल से आप घर पे हो रिटायर हुए तो जॉब कर रहा हूँ पढ़ भी रहा हूँ साथ में हेलो आपकी डिलीवरी का टाइम स्टार्ट हो गया है हाँ मैम आई एम ऑन द वे मैं पहुँच ही रहा हूँ हाँ अंदर चाय रखिए आप पी लेना हाँ हाँ अब जाएगा निठल्लो के साथ घूमने ना पढ़ाई करनी है ना कोई काम ऐसे भी कितना भी कर लूं आपको कहाँ पूरा पढ़ने वाला है ये पूरे घर की हालत देख क्या कर रखी है तूने सही कर ये सब और कुछ खाना खाया कहाँ से खाऊंगा मम्मी पापा भी बाहर गए मुझे पता था कि मम्मी पापा बाहर जाने वाले इसलिए पहले से ही खाना ऑर्डर कर रखा है सचिन थैंक यू डिलीवरी बॉय आ गया मैं लेके आता हूँ नहीं नहीं मैं छोटा हूँ मैं लेके आता हूँ सर ये आपका पिज्जा पिज्जा अरे पिज्जा ऑर्डर किया था तूने आई डोंट लाइक पिज्जा मुझे बर्गर खाना था अरे पन तेरे को पिज्जा पसंद है ना तो पसंद है तो क्या रोज पिज्जा ही खाऊंगा अभी मेरे को बर्गर खाना है अबे कैसी पागलों वाली बातें कर रहा है यार तूने मुझे पागल बोला अरे मैंने तेरे को पागल नहीं बोला तेरी बातों को पागल बोला यार ले अब तूने मेरी बातों को भी पागल बोला ये हर बात पे लड़ना जरूरी है तूने मुझे झगड़ालू बोला मैंने ऐसा नहीं बोला नहीं नहीं आपने बोला इनको झगड़ालू आपने बोला देखा मैंने भी सुना देखा मुझे पता ही था तू मुझसे प्यार ही नहीं करता मेरे को बिना पूछ के तूने ये पिज्जा ऑर्डर कर दिया मेरे को बर्गर खाना था भैया अब बर्गर लेकर आओ यार मैंने इतना प्यार से ऑर्डर किया है तो मेरे को पूछ के ऑर्डर किया था अरे मेरी बात सुन अरे बहुत ना अरे चुप करो यार तुम दोनों वेटर थोड़ी हूं मैं डिलीवरी बॉय हूं पिज्जा लेके आया हूं जो आपने ऑर्डर किया वही लेके आया हूं ये लो और स्टार दे देना खा लो जिसको नहीं मिलता उसको पूछो मत खा तू पिज्जा छोड़ तो नहीं खाना है मेरे को सर ये आपकी डिलीवरी मेरी डिलीवरी हाँ कितना टाइम हुआ आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं आपका और आप इतना लेट आ रहे हो सॉरी सर क्या है सॉरी है क्या हर बार का आप एक ही है सॉरी बोलो और छूट जाओ ये किसका कार का सॉल्यूशन है ये सर देर हो गई सॉरी बस सॉरी बोल के आपको छूट जाना है और कुछ आपको काम ही नहीं करना है सर थोड़ा पानी मिलेगा पानी भी हम देंगे आपको हम यही करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं।
पी लीजिए। अरे भाई कहाँ पे, कितने दिनों से तू दिख नहीं रहा है। शाम को योगेश का बर्थडे, पार्टी में आ रहा है ना तू? अरे कहाँ भाई, वो एग्जाम्स चल रहे हैं और ये डिलीवरीज भी रात तक करता रहता हूँ, पढ़ना भी है तो नहीं आ पाऊंगा। तू बोल देगा ना हैप्पी बर्थडे योगेश को मेरी तरफ से? बोल देना, मिलता हूँ, डिलीवरीज करने जाना है। जा रहा है, एक तो रात को लेट आना, ऊपर से निकल जाना सुबह आवारा गर्दी करके। हंस रहे हो इतना, क्या हुआ है आपको, तबीयत खराब है? हाँ है थोड़ा बुखार, पर तुझे परवाह करने की जरूरत नहीं है, तू जा अपने आवारा दोस्तों के साथ एंजॉय कर। अरे हाँ मैम, मैं पहुंच ही रहा हूँ, बस निकल गया मैं। हाँ हेलो, हाँ मिश्रा अंकल। अरे बेटा तुम जल्दी घर आ जाओ, आपके पापा को हार्ट अटैक आया है। हाँ कैसे? अरे वो बाद में बताऊंगा, आप जल्दी घर आ जाओ। मैं आ रहा हूँ, जल्दी आना। हाँ देखो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। डॉक्टर सीरियस नहीं है ना पापा को? पापा को कुछ होगा नहीं ना? देखो मेरी बात सुनो, हार्ट की नस ब्लॉक होने की वजह से उनको हार्ट अटैक आया था।
लेकिन अभी तो ठीक है ना पापा? हाल फिलहाल तो ठीक है ना? अभी फिलहाल के लिए मैंने उनको इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन दो दिन में सर्जरी करना बहुत जरूरी है। हाँ तो कर देंगे ना, कल ही ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर, कल ही ऑपरेशन में कोई देरी नहीं है, कल ही कर देंगे। लेकिन ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख तक होगा। एक लाख? डॉक्टर इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। पार्ट टाइम जॉब करके मैं मेरे कॉलेज की फीस भरता हूँ, और पापा का भी पेंशन कभी कभी आता है। देखो धीरज अंकल को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मैं अपनी फीस तो नहीं लूंगा, लेकिन जो ऑपरेशन का खर्चा और डॉक्टर की जो फीस होगी वो तो तुम्हें भरनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से करूँगा? तुम कुछ भी करके अरेंज करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। हाँ हेलो राहुल। हेलो, कुछ पैसे पड़े होंगे तेरे पास? हाँ बोलना, कितना चाहिए? अरे यही कोई 20-30 हज़ार। अरे 20-30 तो नहीं होगा, 10 तक अरेंज कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, कोई ना मैं लेने आता हूँ। इतने सस्ते में मेरे जैसे कोई घर नहीं दिलाएगा आपको, वो तो मैं आपको दिला रहा हूँ। 2 मिनट। हेलो, हाँ विवेक। हाँ बोलना भाई। अरे काम था थोड़ा सा। हाँ बोल बोल भाई। कुछ पैसे की ज़रूरत है, होंगे क्या तेरे पास पैसे? भाई अभी मार्केट बहुत डाउन चल रहा है भाई। कोई ना, चल थैंक यू। पैसे के अलावा कुछ बोल भाई, सब काम हो दो। हाँ हाँ पक्का पक्का। हाँ हेलो विक्की। हेलो, कुछ पैसों की ज़रूरत थी मुझे। क्या हुआ भाई? अरे थोड़ी इमरजेंसी आ गई, कुछ हो गया क्या तेरे पास? तो मैं देख लेता हूँ, रुकना, ऑनलाइन होंगे तो भेज देता हूँ तेरे को। हाँ थैंक यू भाई, जल्दी भेजना हो तो। और भाई सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, पापा को हार्ट अटैक आया। तब कैसे अंकल? हाँ अभी तो ठीक है, कल ऑपरेशन है, उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो पैसे ले और अंकल का ध्यान रखना। ये पैसे मैं तुझे लौटा दूँगा। अरे पैसे का कोई बात नहीं है, अंकल का ध्यान रखना था। ठीक है, और कोई भी काम हो तो बताना। अभी और चाहिए पैसे, इतने से कुछ नहीं होगा। हाँ भाई बोल। विवेक, हाँ तू बोल रहा था ना मेरी गाड़ी सेल करवा देगा, तो करवा सकता है क्या? अरे भाई अभी तुझे बोला ना यार, मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, दो हफ्ते रुक जाता है तो तेरे को अच्छा रेट दिलाता। उतना टाइम नहीं है भाई मेरे पास, तू आज ही करवा दे मेरी गाड़ी सेल, कहीं से भी। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, आ जा तेरी डील करवा देता हूँ। हाँ ठीक है, चल मैं आता हूँ। भाई थोड़ा वेट कर लिया था ना, तो मैं इसके अच्छे पैसे दिला था। अरे भाई अभी वेट नहीं कर सकता मैं, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। कोई ना, मिलते हैं बाद में। थैंक यू।
हाँ यस सर। कल दोपहर के बाद आपने 4 डिलीवरी कैंसिल की है। सर वो थोड़ा प्रॉब्लम में फंस गया था इसलिए। वो आपका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। सॉरी सर, अब नहीं होगा आगे से। हम तो आपकी सैलरी में से काट लेंगे। अरे नहीं सर, बात सुनिए मेरी। से गुजर रहा था तो ये सोचा कि मिलता भी चलो आपसे, और ये ऑपरेशन के पैसे वो भी आपको दे दूँ। अरे वो अस्पताल में ही जमा करवा देते। अरे नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आप ही दे दोगे, और वैसे ही मुझे बहुत काम है, आप प्लीज़ करवा दीजिएगा ना फीस जमा। वैसे भी जल्द से जल्द वापस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ मैं चलता हूँ। आज नहीं जाओगे तो नहीं चलेगा? नहीं, अभी पापा की दवाई का भी तो खर्च होगा, घर में पैसों का भी काम पड़ेगा, तो जाना तो पड़ेगा ही ना। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हारी एग्जाम आ रही थी? अच्छी चल रही है। हेलो नर्स, ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं जल्द से जल्द आता हूँ। हेलो, अभी तक आपने लास्ट सेमेस्टर की फीस नहीं भरी है? हाँ सर, मैं वो भरने ही वाला था। आपने कल तक फीस नहीं भरी तो आपको हॉल टिकट नहीं मिलेगी और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। सर मैं भर दूंगा। सर की दवाई, पढ़ाई का खर्चा, कर्जा भी चुकाना है, कैसे होगा सब कुछ? किससे मदद मांगूं जो मदद करे मेरी? किसको कहूं कि नहीं हो रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अविनाश, अविनाश, देखा आज भी वो अपने बाप के पास नहीं है, गया होगा कहीं आवारा गर्दी करने। अंकल बात सुनो, वो अविनाश। अविनाश हाँ वही, ऐसे समय में भी वो अपने बाप को टाइम नहीं दे पा रहा। हाँ था वो लापरवाह, वो इतना लापरवाह हो गया अपनी जान को लेके कि उसने ये तक नहीं सोचा उसे आगे बहुत कुछ देखना है, उसकी पूरी लाइफ पड़ी है। मतलब पढ़ाई वगैरह करता है कि नहीं? हाँ हाँ, अब जाएगा निठल्लों के साथ घूमने, ना पढ़ाई करनी है ना कोई काम। हाँ है थोड़ा बुखार, पर तुझे परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑपरेशन का खर्चा 1,00,000 तक होगा। हम तो आपकी सैलरी में से काट लेंगे। आपने कल तक फीस नहीं भरी तो आपको हॉल टिकट नहीं मिलेगी और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। Oh
लेकिन आपकी जान बचाने के लिए उसने खुद अपनी जान गंवा दी। और आप सही कहते थे, लापरवाही है। एक लड़का सब कुछ करता है जिंदगी में, जॉब, पढ़ाई, जिम्मेदारियां उठाने लगता है छोटी उम्र में, पर इन सब के बीच में जिंदगी जीना ही भूल जाता है। वो कैसे कहेगा वो कि उसे भी जीना है? कैसे कहेगा कि मुझे भी हंसना है? कैसे कहेगा कि मुझसे नहीं हो रहा? अगर कह दिया तो डर लगता है कि उसे डरपोक मान लिया जाएगा। अगर रो दिया तो उसे कमजोर बोल दिया जाएगा। एक लड़का कितना कुछ सोचता है पर उसे रोने तक का हक नहीं दिया जाता। चलो, मुझे तो अब ऊपर वाले ने बुला लिया है, अब उन्हें ही डिलीवरी दूंगा और उनसे ही स्टार मांगूंगा। बस इतना कहना चाहूंगा, लड़के भी रोते हैं, उन्हें भी समझो। उन्हें भी कभी कभी ज़रूरत होती है किसी की जो उन्हें पूछे, कैसा है, सब ठीक तो है ना।